Okay, children, today we are going to learn about the on the bus, the lesson, okay? So, ye on the bus means, bus ki ek safar mein kya kya hota hai, uske baare mein thoda sa hum learn karenge, theek hai? The bus is in the bus stand, okay? The place where the buses are stopping is called bus station, okay? Bus stand. हम बस स्टैंड कहते हैं ना जो जहाँ बसेस खड़ी होती है, ठीक है? सो नाउ एक बस स्टैंड में खड़ी है. 10 पीपल आर इन द बस. ऑल टुगेदर कितने लोग हैं बस के अंदर? 10 पीपल इन बस के अंदर बैठे हैं. 10 पीपल आर इन द बस. द ड्राइवर इज इन ए सीट. सो ड्राइवर कहाँ क्या करता है? अपने सीट में बैठ गया है, ठीक है? तो द कंडक्टर इज स्टैंडिंग नियर द बस. सी, कंडक्टर इज स्टैंडिंग नियर द बस. आप लोग भी देखे होंगे कि when we go to the bus stand, driver will be sitting in the in his seat and the conductor will be standing outside and he will call the people, like बाहर खड़े होकर लोगों को बुलाते रहता है कि बस जहाँ जा रहा है वहाँ आने के लिए. अभी मान लो ये बस कहाँ जा रही है? अभी आगरा जा रही है, दिल्ली से, ठीक है? सो कंडक्टर इज शाउटिंग लाइक यू नो आगरा आगरा आगरा. तो पीपल हु आर गोइंग टू आगरा, दे विल कम एंड सिट ऑन द बस. सो इट इज हैपनिंग. सो मिसेस सोनी इज गेटिंग इन टू द बस. सो मिसेस सोनी, एक औरत जो है गाड़ी में चढ़ रही है. शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला. सी नाउ शी इज कैरिंग मीन्स अपने हाथ में एक छाता ले जा रही है. तो यहाँ दो वर्ड्स हम लर्न कर सकते हैं. स्टैंडिंग मीन्स खड़े होना, कैरिंग मीन्स लेकर जाना, ठीक है? आई विल सेंड यू द क्वेश्चन वर्ड मीनिंग लेटर ऑन, ओके? द बस इज ऑन द रोड. सो अभी बस स्टार्ट हो गया है, अभी रास्ता में सड़क में जा रही है. इट इज टेकिंग मिसेस सोनी टू आगरा. तो ये मैं सोनी कहाँ जा रही है? आगरा जा रही है. तो उसको लेकर आगरा जा रही है. सो इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट. गाड़ी कैसे जा रहा है? बहुत फास्ट स्पीड से जा रहा है. इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट. मिसेस सोनी इज स्लीपिंग. सो कई बार हम क्या करते हैं, बस में जाते तो नींद लग जाते हैं. सो वी फील लाइक स्लीपिंग. सो वी यूज टू स्लीप व्हाइल ट्रैवलिंग, ओके? जैसे ये मैडम भी सो रही है. सी आगरा सो रही है और आगरा जाने के समय में सो रही है. आगरा में क्या है स्पेशलिटी? यस, ताजमहल इज देयर. सो शी इज ड्रीमिंग ताजमहल एंड गोइंग टू आगरा. द बस इज गोइंग वेरी फास्ट. बहुत स्पीड में जा रहा है बस. द बस इज कमिंग टू अ ब्रिज. सो ऑन द वे में, जैसे रास्ता में एक ब्रिज भी है, अभी ब्रिज के पास आ गया है. मिसेस सोनी इज स्लीपिंग. सोनी क्या कर रही है? ये औरत सो रही है. मिसेस सोनी इज ड्रीमिंग ऑफ द ताजमहल. सो नींद में हमें भी कई बार नींद में स्वप्न आती है, ठीक है? सो ड्रीमिंग मीन्स स्वप्न देखना, ठीक है? स्लीपिंग मीन्स सोना, ठीक है? स्वप्न, ताजमहल की स्वप्न देख रही है, ठीक है? लुक आउट, देयर इज अ काउ ऑन द रोड. सो अभी कोई वहां से शाउट कर रहा है कि देखो अभी बाहर देख लो, गाड़ी के सामने एक गाय रहती है, रोड में बैठे होती है. द बस इज स्टॉपिंग. सो इमीडिएटली बस खड़े हो गया, स्टॉप हो गया. द ड्राइवर गेट्स आउट ऑफ द बस. द कंडक्टर गेट्स आउट ऑफ द बस. मिसेस सोनी गेट्स आउट ऑफ द बस. ऑल द पीपल गेट आउट ऑफ द बस. सो किसी ने आवाज़ दिया, गाड़ी के सामने गाय खड़ी है रास्ता में. ऑन द वे देयर इज अ काउ ऑन द रोड. सो बस स्टॉप हो गया और ड्राइवर बाहर आया, उतर कर आ गया. कंडक्टर आया, मिसेस सोनी भी आई और काफ़ी लोग जो बस में जितने भी लोग, सब लोग बाहर उतर कर आने लगे. तो अभी चलिए क्या होने वाला है देखते हैं. द ड्राइवर क्लैप्स हिज हैंड्स. कंडक्टर क्लैप्स हिज हैंड. मिसेस सोनी वेव्स हर अम्ब्रेला. द पीपल शाउट्स. द काउ डज नॉट नो. सो अभी क्या है, बीच रास्ता में गाय बीच में बैठी है, काउ बैठी है. तो इसको मतलब कि इस क्रॉस कर जाना है तो उसको वहाँ से हटाना होगा. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू रिमूव द काउ और मूव द काउ टू द अदर साइड सो दैट दे कैन गो. सो व्हाट दे वर डूइंग, ड्राइवर केम डाउन एंड क्लैप हिज हैंड. क्लैपिंग मीन्स ताली बजाना. ऐसे तालियां बजा रहा था और कंडक्टर भी वही कर रहा था, लेकिन गाय नहीं मूव हुआ. तो मिसेस सोनी जो है उनके हाथ में क्या है, छाता, जो अम्ब्रेला, उसको वेव कर रहा है, इधर उधर हिला रही है.
बट कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने भी शाउट किया, उठो उठो चलो, कुछ भी नहीं हुआ। गाय ऐसे वहाँ बैठे होती है। द ड्राइवर गेट्स इन टू द बस, सो इमीडिएटली ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा। तो गेट्स इन टू द बस मीन्स गाड़ी में चढ़कर बैठा। द ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न, ब्लोइंग मीन्स आवाज देना, जैसे हॉर्न मारते हैं ना ऐसे। द पीपल शाउट लाउडर, शाउटिंग मीन्स चिल्लाना, ठीक है, बहुत जोर से चिल्लाने लगा था। काउ डज नॉट मूव, काउ तभी नहीं मूव किया, उसी जगह में बैठा है। मूव द काउ शाउट्स द ड्राइवर, मूव द काउ शाउट्स द कंडक्टर, मूव द काउ शाउट्स मिसेस सोनी, देन मूव द काउ शाउट्स द पीपल। अभी सब लोग चिल्लाने लगे कि गाय को हटा दो, गाय को हटा दो। तो कौन उठाएगा गाय, बिल्कुल मुंह नहीं हुआ, उसी जगह में बैठा। सब लोग चिल्ला रहे, सब लोग कोशिश कर रहे, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सो इट इज कीप ऑन सिटिंग ऑन द रोड। द काउ डज नॉट मूव, शमी इज पासिंग बाई, पासिंग बाई मीन्स ऐसे क्रॉस कर रहा था एक आदमी, उसका नाम है शमी। ही सीज द काउ, उन्होंने देखा काउ को देखा। ही सीज द पीपल, ही लाफ्स, सी काउ को देखा और लोगों को देखा। He started laughing at them. हंसने लगा। Shami cut some grass. He holds it near to cow's nose. So उन्होंने तुरंत क्या किया? He went and cuts means cutting करना, काट कर थोड़ा सा grass, घास काट कर लेकर आया और गाय की nose के सामने थोड़ा सा दिखाया और look out, अच्छा दिखाया, कम सेज शमी। सो नोज के सामने दिखाया और बोला कि कम चलो, शमी ने कहा। तो काउ गेट्स अप एंड फॉलोज हिम, फॉलोज मीन्स इसके पीछे चलने लगा। वेल डन शाउट्स द पीपल, द पीपल आर हैप्पी। सो तुरंत क्या हुआ, गाय को बोला आ जाओ चलो, तो तुरंत गाय ने घास देकर पीछे चलने लगा। तो सब लोग वेल डन कहा, वेल डन मीन्स अच्छा किया है। तो पीपल वर हैप्पी एंड दे गेट बैक इन टू द बस, दे गॉन ऑन देयर वे टू आगरा। सो इमीडिएटली सभी लोग बस में बैठ गए। बस अभी देखो सारे लोग थैंक यू बोलकर आगरा जाने लग पड़े, ठीक है। तो इसमें मतलब कि हम जितने भी कोशिश करेंगे, तो मतलब कि कोशिश से ज़्यादा हमारे दिमाग थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है, ठीक है। बस बाकी इसका क्वेश्चन आंसर आपको मैं सेंड करूंगा, ठीक है। मैं इसको क्वेश्चन आंसर में सेंड करूंगा, ठीक है। अभी हम लोग इसके एक्सरसाइज पार्ट करते हैं, ओके। वर्किंग विद वर्ड, ओके। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। एट द बस स्टेशन हाउ मेनी पीपल आर इन द बस, सो बस स्टेशन में कितने लोग थे, ओके। तो हम लोग इसका लिखेंगे, एट द बस स्टेशन कितने लोग, 10 लोग, ओके 10, ओके। नाउ वेयर इज द कंडक्टर स्टैंडिंग, वेयर इज द कंडक्टर स्टैंडिंग, यस ही स्टैंडिंग नियर the bus, conductor कहाँ खड़ा है, bus के पास। where is the driver, driver वो अपने seat में बैठा हुआ है। so कैसे लिखेंगे, in his seat, in his seat। और what is Mrs. Sony carrying, madam क्या ले जा रही है, and umbrella, okay। On the way to Agra, in the bus, is the bus was going fast, okay। अभी उधर जाते समय में बस कैसे जा रही है, is the bus going fast, so bus कैसे जा रही है, is the bus going fast, yes, yes, very
fast. Bus is going. Yes, very fast. Is the bus going fast? Yes, in very fast direction. What is Mrs. Soni doing? So Mrs. Soni kya kar rahi hai? Sleeping and dreaming about Taj Mahal. Okay, hai na? She is dreaming about Taj Mahal. Okay. Where is the cow? Cow kahan hai? Cow in the road. Cow in the road. Does Mrs. Soni make the cow moo? No, she did not make the cow. ठीक है, so ये सारे आप इसी में कर लेना. मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर जो है अलग से सेंड करूँगा. ठीक है, आई सेंड इट सेपरेटली. बाकी ये इधर थोड़ा थोड़ा लिख लेना. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स फॉर दिस थिंग्स. रीड द फॉलोइंग. अरुण हैज अ बास्केट एंड टू बैग्स. सो व्हाट इज द नेमिंग वर्ड? नेमिंग वर्ड मीन्स जिसको जो नेम मतलब कि नाम कहते हैं उसको नेमिंग वर्ड. ओके, सो दीज आर दी नेमिंग वर्ड्स. ही इज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज अ नेम. जंगल में चल रहा है. ही इज थ्रोइंग ए स्टोन. एक पत्थर को फेंक रहा है. सो स्टोन इज अ नेमिंग वर्ड. द स्टोन इज हिटिंग द ब्रांच. सो अभी दो हैं, एक पत्थर और ब्रांच, ये दोनों नाम है. ठीक है, इसलिए ओनली इसके नेमिंग वर्ड जो नाम को केवल हम अंडरलाइन करना था. ठीक है, द मैन मैंगोज आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. सो यहाँ क्या क्या नाम है? एक मैंगो और ग्राउंड, ये दोनों नाम है. ओके, ठीक है. द वर्ड्स विद द लाइन अंडर दम आर नेमिंग वर्ड्स. ओके, फाइंड नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग. सी इधर एक फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, आप होमवर्क में आप लोग इसको लिख सकते हैं क्या क्या नेमिंग वर्ड इसमें है. ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. से लाउड, रीड द वर्ड. सो दीज आर दी साउंड्स. ओके, आई थिंक ऑलरेडी यू हैव लर्न्ड इन दी प्रीवियस क्लास. पिछले साल आप लोग लर्न किया है, तो इसका ये लाउडर बोल बोल कर इसका सीख सकते हैं. ओके, एड दीज टू द गिवन लिस्ट. ओके, फिर इसके साथ एक हम ऐड करना है. ठीक है, देखो डिश, यहाँ फिश है, फिश ऐड कर सकते हैं. ठीक है, फिश. ओके, देन यहाँ लॉक, लिक, लैक और क्या है चारों में से? यस, यही हो गया सैक. कैसे सीखे सैक. देन कम्स नेस्ट, टेस्ट, बेस्ट और ये वेस्ट बोलते हैं. बनियन को क्या बोलते हैं? वेस्ट. ओके, वेस्ट. और आ गया TH साउंड विद मो, क्लॉथ और टूथ. ओके, फाइन. एक्टिविटी, व्हाट आर दे सेइंग? टॉक अबाउट द पिक्चर. देन फिल इन द स्पीच बबल्स. ओके, ये क्या क्या बोल रहे हैं ये बोलकर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं. ये आपका होमवर्क है. आप लोग क्या करना है, वहाँ बुक में देखकर एक एक क्या क्या बोल रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं. यहाँ ये कौन है? कंडक्टर. कंडक्टर क्या बोला था उसको लिखना है. मिसेस सोनी क्या बोला उस वहाँ यहाँ लिखना है. और शमी ने क्या बोला ये लिखना है. ठीक है, ये सारे बात को इधर लिखना है. ठीक है, ये आपको होमवर्क है, अलग अलग से लिख कर मुझे सेंड करना है. समझ गया? ठीक है, बस हो गया. आई थिंक. Thank you.